हेलो फ्रेंड्स, आई एम सृष्टि सिंह फ्रॉम हिस्ट्री होलिक। हिस्ट्री होलिक एक हिस्ट्री का चैनल है जहाँ पे मैं मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, सब तरह की हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। उसका थियरी पोर्शन और उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर करती हूँ। आज यहाँ पर लोको सर के चैनल पर, जो कि शिक्षा वाणी उनके चैनल का नाम है, उस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करूंगी और खिलजी डायनेस्टी को हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें मैं इसका थ्योरी पोर्शन कवर करूंगी और लोको सर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और मैं आपको खिलजी डायनेस्टी का थ्योरी वाला जो पार्ट है वो कवर कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले थ्योरी वाला पार्ट और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से शुरू होती है और 1320 पे जाके ख़त्म होती है, और इसका जो फर्स्ट एम्परर आप बोल दीजिए या फर्स्ट किंग बोलिए या पहला सुल्तान खिलजी डायनेस्टी का, वो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने इस एम्पायर को या कहिए इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, इसका फाउंडेशन किया, वो था जलालुद्दीन खिलजी। और उसने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। और फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। एंड फिर सिहाबुद्दीन खिलजी 1316, यानी कि इसका शासन काल, इसका टाइम पीरियड सिर्फ एक साल का था, उसी में इसका टाइम पीरियड ख़त्म भी हो जाता है। और फिर लास्ट इसका जो सुल्तान होता है वो होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, 1316 से लेकर 1320। और फिर 1320 में खुसरो खां के द्वारा इसका मर्डर करके इसके बाद तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस डायनेस्टी के बारे में, इन ये जो सुल्तान रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी को, जिसका की टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1290 से लेकर के 1296 तक। तो जलालुद्दीन जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से 13 जून 1290 को इसका क्या हुआ, आप हिंदी में बोले तो राज्याभिषेक, और इनके अनुसार तो भाई ये मारे और गद्दी पे बैठ गए। और ऐसे क्या शुरू हुई खिलजी डायनेस्टी, तो ऑफिशियली खिलजी डायनेस्टी 13 जून 1290 से स्टार्ट हो गई। जलालुद्दीन ने किलो खारी को क्या बनाया, अपना कैपिटल, अपनी राजधानी बनाई। और जिस समय जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा उस समय उन्होंने उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसको उन्होंने भीलसा और देवगिरी की एक्सपेडिशन के लिए, यानी भीलसा और देवगिरी को जीतने के लिए भेज दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा का मर्डर कर दिया। कहाँ पे, कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में है, कड़ा मानिकपुर में 1296 में, ठीक है, उनका मर्डर करके खुद दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान बनकर बैठ गया। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सुल्तान रहा है खिलजी डायनेस्टी का, और जिसका टाइम पीरियड था 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका जन्म 1266 में हुआ था, उसने दिल्ली का थ्रोन जो है उसने दिल्ली का थ्रोन एक्सेप्ट किया कब, 22 अक्टूबर 1296 को। और उसके बचपन का नाम अली गुरसास्प था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये आता है कि अली गुरसास्प किसके बचपन का नाम था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम था अली गुरसास्प। फिर आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जिन्होंने कड़ा मानिकपुर का गवर्नरशिप दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, मतलब अलाउद्दीन खिलजी एज अ गवर्नर सबसे पहले कहाँ पे, कड़ा मानिकपुर में पोस्टेड था, जिसको कि जलालुद्दीन खिलजी ने वहाँ पे इसको लगाया हुआ था। मलिक छज्जू का एक रिवोल्ट था, उसको सप्रेस किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिससे खुश होकर जलालुद्दीन ने इसको कड़ा मानिकपुर का गवर्नर बनाया था। उसी कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का मर्डर कर दिया था, ठीक है। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी का टाइटल लिया था। सिकंदर सानी का मतलब होता है कि अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर, दूसरा सिकंदर। और इसने अपनी क्वाइंस जो थी, इसके सिक्के जो चलते थे उस पर भी इसको स्ट्रक करवाया था, उस पर भी इसको जो है एक होता है ना कि सिक्कों पर लिखवा देना कुछ चीज़, ठीक है, तो उसने सिक्कों पर भी इसको लिखवाया था सिकंदर सानी, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिकंदर, यह सिकंदर की तरह, दूसरा सिकंदर, ठीक है। अलाउद्दीन वो पहला सुल्तान था जिसने कि एक परमानेंट आर्मी रखी हुई थी, ठीक है, चूँकि इसका क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में
एक्सपेडिशन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीत कर, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है। तो इसके लिए इसने सबसे पहला काम किया एक परमानेंट आर्मी रख के। उस टाइम पे क्या होता था मेनली कि आर्मी जो है वो जो जमींदार जागीरदार या जो गवर्नर होते थे उनके पास बटी हुई होती थी, ठीक है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती थी तो वो सारे के सारे सेंट्रल में आ जाते थे। सेंट्रल की आर्मी बहुत कम होती थी, स्टेट्स की आर्मी होती थी। तो अलाउद्दीन वो पहला सुल्तान था जिसने अपनी खुद की सेंट्रल की परमानेंट आर्मी रखी, और उसने इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सिस्टम स्टार्ट किया, और जो जो है सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, उनको कैश पेमेंट देना स्टार्ट किया। इसके पहले सिपाहियों को कैश पेमेंट नहीं दिया जाता था, उनको जागीर दी जाती थी या उससे ज़मीनें दे दी जाती थी, ऐसा मतलब उनको कैश पेमेंट, मंथली पेमेंट नहीं दी जाती थी। अलाउद्दीन ने उनको कैश पेमेंट देना शुरू किया और उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया, और अपनी परमानेंट यानी कि अपनी खुद की आर्मी उसने बनाई, ठीक है। अलाउद्दीन था जिसने स्टार्ट किया ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस का सिस्टम, ठीक है, घोड़ों को दागने का सिस्टम, कि ये मतलब कि जैसे ये घोड़े परमानेंट आर्मी के हैं, ये इस कैटेगरी के हैं, ये इस कैटेगरी के हैं, ऐसे मतलब डिवाइड करके उनको दागने का सिस्टम भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। और साथ ही साथ जो सोल्जर्स की ड्रेसिंग का सिस्टम होता है, ठीक है, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया, जिसको कि हुलिया बोलते हैं, यानी कि सिपाही किस तरीके की ड्रेस पहन के रहेंगे, जैसे कि ये घुड़सवार हो गए, उनका हुलिया अलग हो गया, ठीक है, और जो कैवेल जो है इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल सेना हो गई, उनका हुलिया अलग, उनका ड्रेसिंग अलग हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ किसने शुरू किया था, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी ने हर सोल्जर्स के लिए यानी कि जो सोल्जर्स होते थे उनका एक पर्सनल एक जो है आर्मी हेड की तरफ से, सेनापति की तरफ से एक नाम दिया जाता था उनको, ठीक है। उनका जो ड्रेस होता था, उनके हर चीज़ का पेमेंट वगैरह का, इन सब के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसको दीवाने आरिज बोला जाता था, ठीक है, जो कि सोल्जर्स का पूरा सब कुछ, हर तरह की ज़रूरतें, उनका नाम, हर चीज़ का ख्याल रखते थे। अलाउद्दीन ने 4 ऑर्डिनेंस इशू किया था, 4 तरीके के आप बोल सकते हैं कि फतवे जारी किए थे, ठीक है, अपने जो उसका स्टेट था उसमें रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ऐसा कर रहा था तो जाहिर सी बात है उसको परमानेंट आर्मी अपनी रखनी थी, और वो उसको कैश पेमेंट दे रहा था, तो कैश पेमेंट देने के लिए इतना कैश सेंट्रल में होना भी चाहिए, जिसके लिए उसने रेवेन्यू बढ़ा दिया था, यानी कि जो रेवेन्यू क्या जो टैक्स लिया जाता था उसने टैक्स बढ़ा दिया था, 50% टैक्स कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो क्या बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हो रहा था, तो उस रिवोल्ट को दबा, और रिवोल्ट करता कौन है ज़्यादातर, जो बड़े बड़े जागीरदार जमींदार अमीर्स लोग होते थे, ठीक है, अमीर्स जो होते थे वही सब करते थे रिवोल्ट। तो रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए उसने 4 ऑर्डिनेंस इशू किए थे। पहला क्या था उसमें से, पहला ये था कि रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए उसने जितनी भी अमीर्स की लैंड थी, यानी कि जितने भी बड़े बड़े जो जमींदार जागीरदार ये सब थे, जिनको कि उस समय पे अमीर बोला जाता था, जितना अमीर क्लास के अमीर थे जिनके पास थी प्रॉपर्टीज़, उन सारी सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को, सारे लैंड को उसने कन्फिस्केट कर लिया, नहीं उनसे ले लिया, और उन सब की सबको खालसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। जो खालसा लैंड होती थी वो सेंट्रल की लैंड होती थी, ठीक है, और उन सबको कल्टिवेबल लैंड में, यानी कि जितनी भी बटी हुई लैंड थी अमीर्स के पास, जागीरदार्स के पास, जमींदार्स के पास, वो सारी लैंड उनसे छीन करके, उनसे ले करके, सब पे कब्जा करके, जब्त करके, उसको खासा लैंड में कन्वर्ट कर दिया, और उस पर सेंट्रल की तरफ से यानी कि अब उस सारा उस पर जो भी कल्टिवेशन होगा, जो भी उस पर फसल उगाई जाएगी, सारा हिसाब किताब अब कौन रखेगा, सेंट्रल रखेगा उसका, ठीक है, यानी कि सुल्तान के वहाँ से उसका सारा हिसाब किताब रखा जाएगा। ये तो उसने पहला चीज़ किया, पहला इशू जो ऑर्डिनेंस था वो था पहला। दूसरा ये था कि उसने क्या किया, उसका जो एस्पियोनेज सिस्टम यानी जो जासूसी वाला सिस्टम था उसको और ज़्यादा स्ट्रांग किया, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, ठीक है, मजबूत किया उस ऑर्गेनाइजेशन को। उसके लिए उसने क्या किया कि अपने हर डिपार्टमेंट में, हर जितने भी उसके इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे, इम्पोर्टेंट चाहे वो बाज़ार हो, ठीक है, मार्केट सिस्टम रहा हो या मिलिट्री सिस्टम रहा हो, कहीं किसी भी जगह पे उसने हर जगह अपना एक जासूस रखा, और वो जासूस जनरली किसी को पता नहीं होता था कि इसमें से अलाउद्दीन का जासूस कौन है, ठीक है, जो कि उसको पल पल की खबर, कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती थी जो कि अलाउद्दीन तक पहुँचाता था वो, ठीक है, एक ये उसने किया। दूसरा,
तीसरा उसने क्या किया कि जो इंटॉक्सिकेंट थे यानी कि जो शराब थी, दारू, इन सब चीज़ों पे उसने टोटल रोक लगा दिया। इसके बेचने पर भी, इसके खरीदने पर भी, इसके यूज पर भी टोटल रोक लगा दिया। तीसरा उसने क्या किया कि जो बड़े बड़े जागीरदार, अमीर्स ये सब थे, इनकी जो सोशल गैदरिंग होती थी, इनके यहाँ जो म्यूचुअल शादियाँ होती थी कि चलो एक ज़मींदार का बेटा है, दूसरे की बेटी है, तो आपस में शादी करा लिए, ठीक है। तो ये जो इनकी सोशल गैदरिंग, मैरिज और ये जो फेस्टिवल्स होते थे, एक दूसरे के घर जाना, इकट्ठा होना, इन सब चीज़ों पर भी उसने टोटल रोक लगा दिया। अब भाई जब सब ये सब यही लोग रिवोल्ट करते थे, ठीक है, अब नॉर्मल किसान जो छोटे तबके के लोग हैं वो लोग तो रिवोल्ट करेंगे नहीं, उनको तो दबा दिया जाएगा ऐसे ही। यही लोग थे जिनके पास अपनी सेना होती थी जो कि रिवोल्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इन सब के मिलने जुलने, सोशल गैदरिंग, हर एक चीज़ पे उसने रोक लगा दी, ठीक है। ऐसा कुछ भी होता था तो उसके अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी कार्रवाई कर देता था। तो इस तरीके से उसने अपने जो भी रिवोल्ट उसके अगेंस्ट में हो रहे थे या जो होते, उन सब को उसने क्या किया, सप्रेस कर दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहला मिलिट्री एक्सपेडिशन किया, जो उसकी फर्स्ट मिलिट्री उसने विक्ट्री की, वो उसने कर्ण के अगेंस्ट की, कब, 1298 में, ठीक है। कर्ण जो कि गुजरात के बघेल रूलर थे, ठीक है, और वहाँ पे वो किससे मिला, उसको मिला कौन, मलिक काफूर। मलिक काफूर उसको गुजरात विक्ट्री के दौरान ही मिला था, जिसको कि हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने साउथ, जो सदर्न स्टेट थे, साउथ के स्टेट थे, उसको जीतने की कोशिश की, ठीक है। इसके पहले जितने भी इधर नॉर्थ में या दिल्ली सल्तनत के रूलर रहे हैं, कोई भी साउथ की साइड नहीं जाता था, वो इधर ही साइड अपना साम्राज्य विस्तार करते थे, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन पहला था जिसने कि सदर्न पेनिनसुला पे भी अपना जो है अटैक किया और उसको भी जीता। और सदर्न में उसका जो फर्स्ट अटैक था वो प्रताप रुद्रदेव सेकंड यानी कि रूलर ऑफ तेलंगाना, जिसको कि आप बोल सकते हैं काकतीय डायनेस्टी पर भी था। काकतीय डायनेस्टी जो कि तेलंगाना में थी और उसके करंट रूलर उस समय पे कौन थे, प्रताप रुद्रदेव सेकंड, उनके ऊपर उसका क्या था, फर्स्ट अटैक था। प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने, उनके पास क्या था, डायमंड था, ठीक है, और उन्होंने कोहिनूर डायमंड को मलिक काफूर को ट्रांसफ़र किया था, यानी कि मलिक काफूर को दिया था। जब इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तो उन्होंने, प्रताप रुद्रदेव ने, जो कोहिनूर डायमंड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायमंड है वर्ल्ड का, वो मलिक काफूर को दिया था, और मलिक काफूर उनसे ले आकर के वो डायमंड अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 में मंगोल इन्वेजन से, जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे बाहर से, उनसे बचने के लिए अपनी कैपिटल सीरी ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी उसने अब अपनी कैपिटल कहाँ बना दिया था, सीरी में बना दिया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए उसने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, जिसमें से कुछ उसके इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म थे, जैसे कि पहला, उसने जितनी भी नॉन खालसा लैंड थी, यानी जितनी भी ऐसे बटी हुई लैंड थी, जैसे पहले सिपाहियों को भी लैंड दी जाती थी जागीर के तौर पे, ज़मींदारों के पास काफ़ी सारी लैंड होती थी, तो इनाम में बहुत सारी ज़मीनें दी जाती थी, उन सारे लैंड को उसने छीन करके, उसको जब्त करके, उन सब को खालसा लैंड में, यानी सेंटर की लैंड में कन्वर्ट कर दिया। वो सारे के सारे लैंड खालसा लैंड हो गए थे, यानी कि सेंटर के, जिसपे कि अलाउद्दीन खिलजी का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। दूसरी चीज़ उसने क्या की थी, रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया था, रेवेन्यू का रेट इंक्रीज़ कर दिया था, ठीक है। अब चूंकि उसने परमानेंट आर्मी रख ली थी, उन सबको कैश पेमेंट देना होता था, ठीक है, तो इसके लिए उसके पास डायरेक्ट रेवेन्यू सोर्स भी होना चाहिए, जिससे उसने क्या किया, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उसने रेट रेवेन्यू का इंक्रीज़ कर दिया, और सीधे सीधे टैक्स उसने 50% कर दिया, यानी कि अब हर चीज़ पे आपको सीधे सीधे 50% टैक्स देना होगा। तीसरा उसने जो काम किया वो था मेज़रमेंट ऑफ लैंड, जिसको कि मसाहत बोला जाता था। उसने लैंड को मेज़रमेंट करने का, यानी कि उसी हिसाब से टैक्स, जिसके पास जितनी लैंड रहेगी वो उस हिसाब से टैक्स देगा, ठीक है, तो उसने लैंड मेज़रमेंट का सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही उसने हाउस टैक्स, जिसको कि घारी बोलते हैं, कैटल और ग्रेजिंग टैक्स, जिसको कि चारी बोलते हैं, ये सब भी उसने लगा दिया, ठीक है। जकात जो कि एक रिलीजियस टैक्स होता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पे लगता था, एंड जिजिया टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, हालांकि ये नॉन मुस्लिम पे लगता था, लेकिन ये वुमेन, चिल्ड्रेन और जो मेंटली एबनॉर्मल या डिसेबल्ड होते थे उनके ऊपर जिजिया टैक्स नहीं लगता था। अलाउद्दीन का मार्केट रिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस रहा है, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने तीन तरीके के मार्केट इस्टेब्लिश किए दिल्ली में। पहला मार्केट क्या था,
ग्रेन्स के लिए था जहाँ पे आपको अनाज मिलते थे, ठीक है। दूसरा मार्केट जो कि कॉस्टली क्लोदिंग के लिए था, जहाँ पे आपको देश विदेश से मसलिन के कपड़े और भी बहुत सारे जो फेमस क्लोदिंग होती थी वो वहाँ पे होती थी। तीसरे टाइप का जो मार्केट था जहाँ पे आपको हॉर्स मिलते थे, स्लेव्स यानी कि जो स्लेव्स यानी कि आपके स्लेव्स दास, हाँ स्लेव्स यानी कि दास जो होते थे, दास वहाँ पे मिलते थे, जो कैटल्स होते थे वो मिलते थे, घोड़े मिलते थे, ये सारे आपको तीसरी टाइप के होते थे। और एक जो कि मिसलेनियस होता था जहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको मिलती थी, ठीक है। इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक साहनाए मंडी होता था, ठीक है, और जो उसका क्या होता था अधिकारी होता था, ठीक है। और ये क्या होता था कि एक साहना होता था जो कि इन सारी बरीद, ठीक है, बरीद नाम की एक पोस्ट उसने बनाई थी, जो कि क्या होता था एक सीक्रेट ऑफिसर होता था साहना ए मंडी या जो मार्केट पूरा मार्केट था, मार्केट सिस्टम उसका, जो कि इस मार्केट में क्या काम चल रहा है, क्या आया क्या नहीं आया, कोई करप्ट मतलब कि भ्रष्टाचार या कोई घूसखोरी तो नहीं कर रहा है उसमें कि ज़बरदस्ती सामान महंगा बेचना ये सब, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी या कोई ऐसा करता है तो वो सारी बातें जो बरीद होता था वो डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाता था, ठीक है। रेवेन्यू को रेगुलेट करने के लिए उसने दीवाने मुस्तकराज नामक एक डिपार्टमेंट भी बनाया था। अलाउद्दीन के आप बोल सकते हैं कोर्ट में, अलाउद्दीन के कोर्ट में दो बहुत ही फेमस आप बोल सकते हैं कि बहुत फेमस जैसे कि सितार तबला आप बोल सकते हैं आर्टिस्ट जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में रहते थे। जैसे एक हो गए अमीर खुसरो और दूसरा हो गए अमीर हसन दहलवी, जिसमें अमीर खुसरो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने सितार और तबला को इन्वेंट किया था, यानी सितार और तबला की खोज अमीर खुसरो ने ही की थी, ठीक है। जो सितार की खोज उन्होंने की थी वो ईरानी तंबूरा और इंडियन वीणा, इंडियन जो वीणा होती है जो आपने देखा होगा सरस्वती जी की फ़ोटोज़ में वीणा लिए हुए बैठी होती हैं, तो वो वीणा और ईरानी जो तंबूरा होता है उन दोनों को मिक्स करके, उन दोनों को मॉडिफाई करके उन्होंने क्या बनाया था, सितार बनाया था, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं मुबारक कुतुबुद्दीन जो कि सिर्फ और सिर्फ 1316 तक रहते हैं। उसके बाद फिर आते हैं मुबारक कुतुबुद्दीन जो कि अप्रैल 1316 में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। और वो मेनली फेमस थे मुबारक खिलजी इसलिए क्योंकि वो कोर्ट में अक्सर वुमेन की ड्रेस पहन के आते थे, यानी कि औरतों के कपड़े पहन के वो कोर्ट में आते थे, तो इसलिए भी मुबारक खिलजी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। मुबारक खिलजी के वजीर था उनका खुसरो शाह, जिसने अप्रैल 1320 में उनका मर्डर कर दिया, उनकी हत्या कर दी, और इस तरीके से खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। हालांकि इसके बाद खुसरो शाह भी गद्दी पर नहीं बैठता है क्योंकि उसका एक रहता है गाजी मलिक करके, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वफादार रहता है, और वो खुसरो शाह का उसका मर्डर कर देता है। और गाजी मलिक ही फिर गियासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक डायनेस्टी 1320 से स्टार्ट करता है, इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो इस वीडियो तो यहाँ पर इतना ही, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको आगे कराए जाएंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनापति कौन था? आंसर होगा मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, हज़ार दिनारी किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर भी होगा मलिक काफूर। देखिए होता क्या है कि गुजरात विजय करता है ये खिलजी, वहाँ इसकी निगाह पड़ती है मलिक काफूर के ऊपर, फिर ये इसको 1000 दिनार देकर ख़रीद लेता है, तभी से इसका नाम हो जाता है हज़ार दिनारी। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया जो उसने बाद में अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था? तो ये तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, इन्होंने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। और मलिक काफूर इतना ईमानदार गुलाम होता है कि वहाँ से हीरे को ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है, जिससे अलाउद्दीन खिलजी इससे खुश हो जाता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? आंसर होगा 21 अक्टूबर 1296 को, और ये जहाँ हुआ था वो हुआ था बलवन के लाल महल में। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
अपने बड़े बेटे इख्तियारुद्दीन को कौन सी उपाधि दी थी? आंसर होगा खान खाना की। ये देखिएगा, जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, यही 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है, नींव रखता है ये। इससे पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश के शासक को ये हराता है और उसके बाद खिलजी वंश को स्थापित करता है। और यही फिरोज खिलजी ही अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण भी रहता है, संरक्षक। अगला प्रश्न है, दिल्ली संतलत का सबसे वृद्ध शासक कौन था? तो आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जो था 70 साल की इसकी एज थी जब ये शासक बना। देखिए अगला ही प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? आंसर होगा 1290 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, नवीन मुसलमान किसे कहा गया था? आंसर होगा दिल्ली में रहने वाले मंगोलों को। जो दिल्ली में मंगोल रहते थे उनको नए मुस्लिम कहा गया। अगला प्रश्न है, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? आंसर होगा दीवाने मुस्तकराज। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि दीवाने मुस्तकराज किस से संबंधित था, तो ये भू राजस्व व्यवस्था से था। अगला प्रश्न है, मंगोल नेता अब्दुल्ला के भारत आक्रमण को किसने विफल किया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि का क्या नाम था? आंसर होगा अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो को तोतीय हिंद भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप, बहुत प्रश्न बनते हैं अमीर खुसरो से। अगला प्रश्न है, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? आंसर होगा अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ? आंसर होगा 1266-67 में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षक का क्या नाम था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये इसका चाचा था और इसी ने इसको संरक्षण दिया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी को अमीरे तुजुक पद किसने दिया था? तो आंसर होगा इसका जलालुद्दीन ने सन 1290 में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया? तो ये 1292 में किया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक तो बनता है ये 1296 में, लेकिन इससे पहले ही जलालुद्दीन जो होता है ये इसको देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है 1292 में, और इसको ये जीत भी लेता है। इसके बाद क्या करता है कि वहाँ से दौलत जो जीतता है ये उसे जलालुद्दीन से छिपाकर अपने पास रखता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या था, ये सोचता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ और मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। इसकी सोच भी थी कि मैं पूरी दुनिया जीतूँ, लेकिन इसका एक मित्र होता है वो इसे समझाता है, उसके समझाने से फिर ये मान जाता है, फिर ये पूरे विश्व पे आक्रमण तो नहीं करता लेकिन दक्षिण भारत पर जो है अपना अधिकार कर लेता है उसके बाद भी। अगला प्रश्न है, वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत पर अपना साम्राज्य फैलाया? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, पद्मावत कविता कब और किसने लिखी थी? आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, और ये कब लिखी थी? ये लिखी थी 1540 में। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने विश्व विजय एवं एक नए धर्म की स्थापना के विचार को किसके कहने पर त्याग दिया था? देखिए क्या होता है कि ये जो है विश्व विजय करना चाहता था, क्योंकि ये अपने आप को सिकंदर मानता था दूसरा, तो ये सोचता था कि मैं पूरे विश्व पर
राज करूंगा और एक नए धर्म की स्थापना मैं करूंगा। तो क्या होता है कि दिल्ली का कोतवाल होता है एक अलाऊ मुल्क, ये इसका दोस्त भी होता है, इसके कहने पर ये इस विचार को त्याग देता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, सॉरी रिपीट हो गया है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? आंसर होगा अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो आंसर होगा बुलंदशहर का इब्तादार था, ये जलालुद्दीन फिरोज़ जो था, जो इसका चाचा था, बुलंदशहर का इब्तादार था, वहीं ये इसके गुलाम वंश के शासक की हत्या करता है और गद्दी हत्या लेता है और फिर खिलजी वंश की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है, स्थाई सेना को संगठित करने वाला पहला शासक कौन था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया था? आंसर होगा हमीमुद्दीन ने। देखिए जब ये अलाउद्दीन खिलजी शासक था तो हाजियों में विद्रोह हो जाता है, रेवेन्यू को लेकर, बंटवारे को लेकर कि पैसा कितना किस पे जाएगा इसमें, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए ये हमीमुद्दीन को भेजता है और सफलतापूर्वक हमीमुद्दीन जो है इसको सफलतापूर्वक दबा देता है। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो आंसर होगा कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज की हत्या किसने और कब करवाई थी? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर उसकी हत्या 1296 में कर दी गई थी। देखिए क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी चाहता है कि मैं गद्दी पर बैठूं और जलालुद्दीन गद्दी छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जलालुद्दीन जो है काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, 1296 तक 76 साल के ही हो गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि षड्यंत्र रचता है और इसकी हत्या करवा देता है जलालुद्दीन फिरोज की, और फिर गद्दी पर अपने बैठ जाता है। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन का समय क्या रहा था? आंसर होगा 1290 से 1296 तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो हर रोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।